तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो यहाँ पर ये बंदा भाई भी सब कुछ भूल कर बोट्स को मार रहा था, तो इसे फटाफट फिनिश कर देते हैं और एक इसको बोट का भी किल चुरा लेते हैं और भाई सीधा चलते हैं बंदों की तलाश में, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बंदे थे आगे। और वो बंदा ओपन में लेट के सोच रहा था कि उसे कोई देख नहीं पा रहा, तो भाई उसे फटाफट मारते और इधर बहुत खतरनाक फाइट हो जाती है। तो देखो और ये बंदा पता नहीं कब से यहाँ पर बैठा होता और मेरे ऊपर फायरिंग क्यों नहीं कर रहा था मुझे नहीं पता, शायद ये सही वक्त का वेट कर रहा था, लेकिन भाई इसका वक्त आता ही नहीं और भर रहा था वे कामती में। और भाई मैंने जिस बंदे को नॉक करा था भाई, उस बंदा पता नहीं कहाँ ही चला गया है, शायद उसका किल भी नहीं मिलेगा मुझे। तो छोड़ो यार, मतलब अब आगे बंदे थे, आगे से बहुत खतरनाक फाइट की आवाज़ आती है, तो इसे फिनिश करके सीधा वहीं पर चलेंगे। और यहाँ पे बाल बाल बचे, क्योंकि भाई मेरे पास वेस्ट भी नहीं थी और भाई मेरी हेल्थ भी कम थी, कम से कम 60% थी। तो यार यहाँ से भाग रहा हूँ तो देखो सामने बंदा आया, तो भाई क्या ही बचता हूँ यहाँ पर। और फिलहाल उन लोगों को अब पता चल चुका था कि मेरी हेल्थ बहुत कम है, तो भाई वो लोग बिना देरी के पुश कर देते मेरे ऊपर, लेकिन भाई मैंने यहाँ पर हेल्थ लगा ली थी। और भाई बिना अब फिलहाल दो बंदे तो नॉक थे जो बग्गी से आए थे, अब राइड में बोट आ चुके हैं, तो इनको फटाफट मारते हैं। तो गाइस यहाँ पर जब मेरे एक बोट का किल चोरी हुआ था, तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि इसी के टीममेट्स होंगे, जो कि सिर्फ दो होंगे, क्योंकि दो को तो मैंने यहाँ पर मार दिया, लेकिन भाई यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो जाता है, अभी देखना आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक बंदे को तो नॉक कर देता हूँ, मुझे लगता है कि एक ही बंदा को तो सीधा रश करके मार देंगे, लेकिन भाई देखो Over the edge, feel like I'm floating through
My mind is